हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बीएससी फर्स्ट ईयर की जूलॉजी फर्स्ट पेपर लोअर नॉन कॉर्डेट्स, उसमें एक टॉपिक है यूग्लिना विरिडिस, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। यूग्लिना विरिडिस ये जो वर्ड है, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब है ट्रू आई। ई यू का मतलब है ट्रू और ग्लिना मीन्स आई। इस वर्ड का मतलब है ट्रू आई। तो ये बीएससी फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक है जो फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन, इसकी क्लासिफिकेशन को देखते हैं। तो ये फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है, फाइलम प्रोटोजोआ। और इसकी सब फाइलम अगर देखें तो ये सब फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा, सुपर क्लास मेस्टिगोफोरा, क्लास फाइटोमेस्टिगोफोरा फोरी, ठीक है, फाइटोमेस्टिगोफोरी, ऑर्डर यूग्लिनिडा, ऑर्डर यूग्लिनिडा, जीनस यूग्लिना एंड स्पीसीज विरिडिस, जो ये अंडरलाइन करना होगा। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की रूल के हिसाब से जीनस और स्पीसीज को इटैलिक वर्ड और अंडरलाइन किया जाता है, ठीक है। और अब हम इसकी हैबिट एंड हैबिटेट को देखते हैं। देखिए, यूग्लिना विरिडिस इज ए सॉलिटरी एंड फ्री लिविंग फ्रेश वाटर यूनिसेलुलर फ्लैजेलेटेड। जो यूग्लिना होता है, ये फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला यूनिसेलुलर फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स होता है, ठीक है। ये फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला यूनिसेलुलर फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स होता है। ये रिवर के यहाँ लिखा हुआ है, इट इज़ फाउंड इन पॉन्ड्स, पूल्स, रिवर एंड इट्स कंटेन डिकेइंग नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक मैटर, फीसेस, लीव्स, ट्विक्स एक्सेट्रा, ठीक है। ये रिवर, लेक, पॉन्ड, इन सब में फ्रेश वाटर में फ्री स्टेट में तैरता रहता है, सब में पाया जाता है। जैसे रिवर हो गया, लेक हो गया, पॉन्ड्स हो गया, ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। ये बहुत ही सिंपलेस्ट प्रोटोजोआ होता है। इसकी सेल में क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस के कारण ये प्लांट के समान फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा अपने फूड को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट शो करता है। इसमें बहुत सिमिलरिटीज होती है, अभी बताया मैंने कि प्लांट एंड एनिमल्स की, इसको हम मिक्सोट्रॉफिक कहते हैं। मिक्सोट्रॉफिक, दे आर ऑटोट्रॉफिक व्हेन लाइट अवेलेबल एंड हेटरोट्रॉफिक व्हेन लाइट इज एब्सेंट। फॉर एग्जांपल में यूग्लिना, हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसमें शेप एंड साइज, ठीक है, समटाइम यूग्लिना इज सो एबंडेंट दैट वाटर अपीयर्स ग्रीन इन कलर। कभी कभी ये आपने देखा होगा, जैसे ये होता है कि काफ़ी सारे यूग्लिना एक पास रहते हैं और इसमें फोटोसिंथेसिस मतलब क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट होता है, तो इसकी वजह से पानी हमको ग्रीन कलर में दिखती है, हरे रंग में दिखने लगती है। स्ट्रक्चर, शेप एंड साइज। यूग्लिना विरिडिस इज माइक्रोस्कोपिक लेंथ, माइक्रोस्कोपिक मेजरिंग अबाउट 60 μ। जो यूग्लिना होता है ये 60 μ इन लेंथ में होता है, 60 μ में। द बॉडी इज इलोंगेटेड एंड स्पिंडल शेप। इसकी बॉडी जो होती है वो स्पिंडल शेप में होती है, ठीक है। फ्रॉम द
एंटीरियर इन फ्लैजिला अराइज विच हेल्प विद लोकोमोशन। इसके एंटीरियर इन पर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है जो लोकोमोशन में हेल्प करता है। और इसके पोस्टीरियर इंड जो होता है वो कौन शेप में होता है, अब ये इसमें ये डायग्राम आप देख सकते हो। देखिए इसके एंटीरियर इंड पर एक फ्लैजिला होता है, दो फ्लैजिला इसमें होते हैं, एक एक ये फ्लैजिला जो है लोकोमोटरी फ्लैजिलम और एक शॉर्ट फ्लैजिलम होता है छोटा सा, ये इसके अंदर ही होता है, रिजर्वायर के अंदर ही रहता है। ठीक है, बॉडी ऑफ यूग्लिना इज इन्वेलप्ड बाय डिस्टिंक्ट थिन इलास्टिक एंड टफ पेलिकल विच लाइज बीनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। जो पेलिकल होता है वो किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। यूग्लिना की सेल एक थिन इलास्टिक वॉल की वो इस थिन इलास्टिक वॉल द्वारा कवर्ड रहती है, उसकी जो वॉल होती है वो थिन इलास्टिक से कवर्ड रहती है, जिसे हम पेलिकल कहते हैं, जो प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, और ये वॉल जो होता है ये बहुत सारे थिन लेयर के द्वारा प्रोड्यूस रहती है, जिसको हम मायोनीम्स कहते हैं। ठीक है, इसे हम मायोनीम्स कहते हैं, आप ये डायग्राम में देख सकते हो। मायोनीम्स लिखा हुआ ना, ये ऐसे से मायोनीम होता है, तथा इसके मतलब इसके कॉर्नर एक दूसरे से ओवरलैप होते हैं, जैसे ये कॉर्नर और ये कॉर्नर एक दूसरे से ओवरलैप होते हैं, जिसको हम मायोनीम्स कहते हैं। साइटोप्लाज्म, द पेलिकल इनक्लोजेज द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म आर डिवाइडेड इंटू टू जोन। जो साइटोप्लाज्म होता है इसका वो टू जोन में डिवाइड होता है, एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। तो फर्स्ट क्या एक्टोप्लाज्म, जो यूग्लिना की सेल जो होता है वो पेलिकल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म के चारों ओर घिरी रहती है। यूग्लिना की सेल का संपूर्ण मतलब उसका पूरा ज़्यादातर साइटोप्लाज्म जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड रहता है, एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। जैसे बाहर वाली जो पेलिकल की ओर जो होता है उसको एक्टोप्लाज्म कहते हैं, तथा अंदर की ओर एंडोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है, जो अंदर की तरफ रहेगा वो एंडोप्लाज्म। जैसे आप ये डायग्राम में देख लो, ये अंदर की जो साइड है ये एंडोप्लाज्म, और जो ये बाहर की पेलिकल के जस्ट बाहर वो एक्टोप्लाज्म। ठीक है, दिस इज डेंस क्लियर साइटोप्लाज्म, ये मतलब क्लियर दिखता है। विच इज प्रेजेंट दी एट द पेरीफेरी, इट कंटेन माइक्रोट्यूबल्स एंड म्यूसीफेरस बॉडीज। देखिए ये क्या होता है कि जो इसमें कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें म्यूसीफेरस ट्यूब्यूल एंड म्यूसीलेज, और ये म्यूसीलेज का सिक्रेशन करते हैं, म्यूसीलेज का सिक्रेशन करते हैं साइटोप्लाज्म, जो एक चिपचिपा पदार्थ होता है।
एंडोप्लाज्म। इट इज प्रेजेंट एट द सेंटर। इट कंटेन न्यूक्लियस एंड सेवरल अदर इंक्लूजन। ये प्रेजेंट कहाँ होता है? सेंटर में प्रेजेंट होता है। ओके, एंडोप्लाज्म ये सेंटर में प्रेजेंट है यहाँ पर, तो ये सेंटर में प्रेजेंट है, बीच में एंडोप्लाज्म कहलाएगा। और इसमें कई अदर न्यूक्लियस एंड अदर सेवरल अदर इंक्लूजन होता है। अब अगला हम देखते हैं रिजर्वायर। रिजर्वायर एट द ब्लंट एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी। ये रिजर्वायर जो होता है वो एंटीरियर एंड पर प्रेजेंट होता है। देयर इज एन इन्वेजिनेशन फॉर्मिंग ए फ्लास्क शेप्ड कैविटीज। ये कैविटीज में पाई जाती है। द इंटरनल ओपनिंग ऑफ रिजर्वायर, सॉरी द एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द रिजर्वायर इज कॉल्ड साइटोसोम। जिसकी जो इसका एक्सटर्नल ओपनिंग होता है उसको हम साइटोसोम कहते हैं और सेल माउथ कहते हैं। जैसे ये आप डायग्राम में देख सकते हो, ये क्या है? रिजर्वायर है। ये रिजर्वायर, यहाँ देखो यहाँ लिखा हुआ ये रिजर्वायर है। और ये इसका ये पार्ट साइटोफेरेंस कहलाता है। जो ओपनिंग होगा उसको हम बोलेंगे साइटोसोम और सेल माउथ। तो इसको हम कहेंगे साइटोसोम और सेल माउथ। ठीक है, ये जो ओपनिंग है यहाँ, यहीं से फ्लैजिला, एक जो लार्ज फ्लैजिला होता है यहीं से निकला होता है। तो रिजर्वायर जो युगलीना होता है उसकी अगले सिरे पर, मतलब एंटीरियर एंड पर एक फ्लास्क लाइक कैविटी, उसमें कैविटी प्रेजेंट होता है वो पाया जाता है, जिसका इंटरनल पार्ट रिजर्वायर के रूप में होता है। ये कैविटी एक ट्यूब स्ट्रक्चर के साथ जुड़ी होती है। ठीक है, जो ट्यूब स्ट्रक्चर होगा, देखिए डायग्राम में देख लो, ये जो ये कैविटी है ये ट्यूब स्ट्रक्चर, यहाँ ट्यूब बन जाता है, ट्यूब स्ट्रक्चर में जुड़ी रहती है इससे ये कैविटी, जिसको हम साइटोफेरिंग्स कहते हैं। साइटोफेरिंग्स कहते हैं, तथा बाहर की ओर इससे जो ओपनिंग है, जो ये देखिए कैविटी किससे अटैच है? ट्यूब से, इसको साइटोफेरिंग्स कह रहे हैं। और जो ये ओपनिंग है उसको हम साइटोसोम कहते हैं, जो सेल के मतलब एंटीरियर ओपनिंग पे होता है, उसके अगले सिरे पर होता है। अब हम देखते हैं फ्लैजिला। एट द एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी देयर इज ए थ्रेड लाइक फ्लैजिला। ये एंटीरियर एंड पर प्रेजेंट होता है, आप डायग्राम में देख सकते हो। ये बॉडी के एंटीरियर एंड पर एक फ्लैजिला होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी टेल अस दैट फ्लैजिला इज नॉट वन बट पेयर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर यह पता चलता है कि ये बताते हैं कि फ्लैजिला जो होता है इज नॉट वन, एक नहीं होता है, बट पेयर, मतलब ये पेयर में होता है, इसमें दो होता है, दो फ्लैजिला होता है, एक शॉर्ट होगा एक लॉन्ग, एक लॉन्ग होता है। वन इज स्मॉलर आर कन्फाइंड विद इन दिस रिजर्वायर, जो रिजर्वायर के अंदर ही होता है। ठीक है, ये रिजर्वायर के अंदर ही होता है फ्लैजिला। फ्लैजिला कंसिस्ट ऑफ टू सेंट्रल एंड नाइन पेरिफेरल फाइबर्स। फ्लैजिला जो होता है ये इसका फ्लैजिला का कट सेक्शन है। आप इसमें देख सकते हो कि इसमें टू सेंट्रल होता है, दो सेंट्रल होगा और नाइन पेरिफेरल फाइबर होगा, नाइन पेरिफेरल फाइबरस होगा, फाइबरल है। ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, ये टोटल नाइन पेरिफेरल फाइबरस है। फ्लैजिला देख सकते हो इस डायग्राम में, ये रिजर्वायर की
के अंदर दो फ्लैजुला पाए जाते हैं। ये रिजर्वायर है, इसके अंदर दो फ्लैजुला पाए जाते हैं जो ब्रेसल ग्रेन्यूल तथा ब्लीफेरोप्लास्ट, ब्रेसल ग्रेन्यूल तथा ब्लीफेरोप्लास्ट से प्रोड्यूस होती है, इसी दोनों से, ब्लीफेरोप्लास्ट और ब्रेसल ग्रेन्यूल, ब्लीफेरोप्लास्ट से ये प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और दो फ्लैजुला होते हैं, एक लंबा होता है, एक छोटा होता है। ये छोटा वाला है, ये रिजर्वायर के अंदर ही होता है। और ये डायग्राम आप देखिए हो, इसमें 9+2 अरेंज होती है, इसकी जो फाइबर है पेयर में 9 ये है +2 फाइबर अरेंज होती है। और ये पूरा फिलामेंट जो है एक कवर से कवर्ड रहता है, कवरिंग से कवर्ड रहता है, जिसको हम बोलते हैं शीत, जो आउटर शीत, देखिए आउटर शीत लिखा हुआ ना, और इसी पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम मैस्टिगो फोरा कहते हैं। आप ये डायग्राम में देख सकते हो कि इस पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे प्रेजेंट है ना, इसको हम मैस्टिगो फोरा कहते हैं। अब देखते हैं न्यूक्लियस, ए सिंगल लार्ज स्फेरिकल न्यूक्लियस, इसमें एक सिंगल न्यूक्लियस होता है जो लार्ज होगा, स्फेरिकल गोलाकार न्यूक्लियस होता है, इस प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एंडोप्लाज्म, ये एंडोप्लाज्म में सेंटर में प्रेजेंट होता है। इट कंटेन ए लार्ज सॉलिड सेंट्रल बॉडी और न्यूक्लियोलस कॉल्ड कैरियोसोम, इसमें न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है जिसको हम कैरियोसोम कहते हैं, और एंडोसोम। दे द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डबल मेम्ब्रेन विच कंटेन पोर्स, न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम, इसमें क्रोमोसोम भी प्रेजेंट होता है। ठीक, अब देखते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल एपरेटस, ए लार्ज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, एक लार्ज मतलब एक बड़े आकार का कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स कहाँ पाया जाता है, साइटोप्लाज्म। दिस वैक्यूल प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन ऑस्मो रेगुलेशन, ये ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, यूरिना के सेल में रिजर्वायर के लेटर उसके बाद की साइड में देखिए, ये रिजर्वायर है, उसके लेटर मतलब उसके लेटर उसके जस्ट बाद की साइड में, ये आप देख रहे हो इस शेप में, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, इसके चारों तरफ छोटे छोटे अदर वैक्यूल भी पाए जाते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, इस सेल के अंदर वाटर तथा इसके एक्सक्रीटरी मटेरियल, जो सेल में वाटर है, एक्सेस वाटर है, और जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो सेल से बाहर निकालता है, इस क्रिया को हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है कि एक्सेस ऑफ वाटर को बॉडी से बाहर निकालना। स्टिग्मा इज ए कप शेप रेड पिगमेंट स्पॉट लाइंग नियर द रिजर्वायर, द स्टिग्मा एंड द पैरा फ्लैजुलर बॉडी टुगेदर द फॉर्म ए फोटो रिसेप्टर ऑर्गेन। स्टिग्मा क्या होता है, ये रिजर्वायर के लेटरल साइड पर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये रिजर्वायर जो है उसके लेटरल साइड पर, ये रिजर्वायर उसके लेटरल साइड पर कॉन्ट्रैक्टाइल एपरेटस की अपोजिट डायरेक्शन में, ये कॉन्ट्रैक्टाइल एपरेटस ये दिख रहा है ना, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक डिस्क शेप के
डिस्क स्ट्रक्चर के सामान रहती है, डिस्क स्ट्रक्चर के सामान रहती है। ये लिपिड प्लेट तथा रेड पिगमेंट के द्वारा प्रोड्यूस होती है, ठीक है, जिसे हम आई स्पॉट भी कहते हैं, स्टिग्मा या आई स्पॉट, ठीक है। ये इसका फंक्शन क्या है, ये लाइट को सेंस करती है, ठीक है, ये लाइट को सेंस करती है, ठीक है। मेन फंक्शन ये है कि इसकी लाइट को सेंस करती है कि फ्लैजुलर पैराफ्लैजुलर बॉडी के सिमिलर होते ही, जो कि रोटोसिंथेसिस की क्रिया करने में सहायक करती है। फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन होती है, जो प्रोसेस है, रिएक्शन है, उसको उसमें ये हेल्प करता है स्टिग्मा। एंडोप्लाज्मिक इंक्लूजन, देयर आर सम अदर इम्पोर्टेंट इंक्लूजन इन द एंडोप्लाज्म, और भी कुछ ऑर्गेनल्स वो प्रेजेंट होती है, जैसे क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट आर सस्पेंडेड ग्रीन बॉडीज इन द साइटोप्लाज्म, इट कंटेन क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड बी कैरोटीन, ये प्रेजेंट होता है। जो क्लोरोप्लास्ट है वो उसको फूड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हेल्प करता है फूड बनाने में। पैरामाइलोन सेकेंड है, द एंडोप्लाज्म कंटेन सेवरल स्मॉल फ्री एंड ग्रेन्यूल्स ऑफ पैरामाइलोन, इट इज ए पॉलीसेक्राइड विच इज प्रोड्यूस इन फोटोसिंथेसिस एंड इज ए रिजर्व फूड मटेरियल। पैरामाइलोन क्या होता है, ये फूड को स्टोर करता है, ये फूड स्टोर का काम करता है, फूड स्टोर किस फॉर्म में, पैरामाइलोन में, पैरामाइलोन या इसको हम ग्रैन्यूल्स भी कह सकते हैं, ग्रैन्यूल जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है फूड, इन लीवर में फूड स्टोर होता है किसके फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, वैसे यूग्लिना में पैरामाइलोन जो होता है वो फूड को स्टोर करता है। स्टूडेंट आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम यूग्लिना की लोकोमोशन के बारे में बात करेंगे, उसके न्यूट्रिशन और लोकोमोशन के बारे में बात करेंगे।